जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों का आर्मी में सिलेक्शन नहीं हो पाया, किसी कारणवश फिजिकल नहीं हो पाया, उनको बाहर कर दिया गया, उन बच्चों के लिए आज आने वाले सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ चुकी है। आपके लिए बहुत ही बड़ी वैकेंसी आ चुकी है, जो वैकेंसी आपकी SSC GD कॉन्स्टेबल 2022-23 के लिए 24,369 पदों के लिए भर्ती आ चुकी है। तो मैं बता दूं, उसके फॉर्म 27 अक्टूबर यानी आज से कल यानी कल से 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं, और इसका आर्मी का जो पेपर है 27 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हो चुका है। पेपर इसका आपका जनवरी में करवाया जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो भर्ती बहुत ही जल्दी करा करके खत्म कर दी जाएगी। तो इसमें मैं पदों की संख्या बता दूँ किस प्रकार। SSC GD मेल कॉन्स्टेबल के लिए तो 21,743 पद हैं, SSC GD फीमेल कॉन्स्टेबल के लिए 2,2626 पद है। तो इसमें महिलाओं के लिए थोड़ी कम वैकेंसी दी गई है, बार नहीं हर बार महिलाओं के लिए भी 5-7 हज़ार आती है, इस बार 2,626 दी गई है, काफ़ी कम है। तो और महत्वपूर्ण जानकारी बता दूँ, बताऊँ उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके जो भी साथी, आपके जो भी बहन भाई तैयारी करते हैं, उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं आपका सारा कुछ डिटेल बाय डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो JBT की बात करते हैं, आपके 10th पास कैंडिडेट इसमें आपका फॉर्म भर सकता है भर्ती देखने के लिए। अब हम आगे स्टेप बाय स्टेप अब आपको सारा कुछ बताते चलेंगे, क्या क्या प्रोसीजर इसका, क्या क्या रहने सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस में काफ़ी बहुत बड़ा चेंज किया गया है, पहली बार देखने को मिल रहा है कि आपको सिलेबस में इतना बड़ा चेंज किया गया। आपको टाइमिंग बहुत कम कर दी गई है, कुछ अकेडमी वाले बता रहे हैं कि अच्छा हुआ अच्छा है अगर थोड़ा सिलेबस मतलब कम वो क्वेश्चन कर पहले 100 क्वेश्चन आ देते तो 80 क्वेश्चन कर दिए तो अच्छा है, एक क्वेश्चन दो नंबर का कर दिए तो मैं बता दूँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पहले 90 मिनट मिलते थे 100 क्वेश्चन के लिए, लेकिन अब वहीं 80 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे, यानी कि 1 घंटे का टाइम। तो पहले हम एज वगैरह की बात कर लेते हैं। तो आपकी जो एज है, एज में काफ़ी छूट दी गई, इसकी एज होती है जो 18 से 23 वर्ष होती है, 18 से 23 वर्ष होती है। तो अब मैं बता दूँ, कोविड सिचुएशन के कारण इसमें तीन वर्ष की छूट अन्य छूट कर दी गई है। तो पहले मैं बता दूँ, जैसे 23 वर्ष होती थी तो OBC के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाती थी, SC और ST वालों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती थी, 5 वर्ष की छूट दी जाती थी, 3 वर्ष की। लेकिन मैं बता दूँ आपको, जो 18 वर्ष है 18 से 23 साल के लिए भर्ती होती है, तो कोविड के कारण आपके जनरल वालों के लिए, जो जनरल वाले होते हैं उनके लिए भी 3 साल की छूट कर दी गई है। अब ये 18 से 26 है, 18 से 26 वर्ष है। अब वहीं आप OBC वालों के लिए 26 में 3 और जोड़ दे तो 18 से 29, और वहीं अब इनके SC ST वालों को जोड़ दे तो पहले 18 से इनकी होती थी 23, पहले 28 होती थी, अब 31 कर दी गई है, 18 से 31 वर्ष। यानी SC ST वाला कोई 18 से 31 वर्ष के बीच में तो वो इसमें फार्म भर सकता है, OBC वाला कोई 18 से 29 वर्ष के बीच में तो वो फार्म भर सकता है, और जो जनरल वाले हैं पहले 23 वर्ष होती थी ना उनके लिए, तो जनरल वाला भी 18 से 26 वर्ष का फॉर्म भर सकता है। ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, इसको देख करके इसको तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये खुशखबरी है, मतलब कि SSC वालों के द्वारा ये बहुत अच्छा किया गया। नहीं, मैं आपको उस पर वैकेंसी के बारे में बता दूँ, वैकेंसी किस किस में, उसमें वैकेंसी कितनी कितनी रहने वाली है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण जानकारी आपको कहीं और किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब वैकेंसी की बात करते हैं, ये भी वैकेंसी आप कुछ नोटिफिकेशन आप भी पढ़ लेना, कुछ जो मोटा मोटा मैंने लिख करके लाया हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। BSF के लिए 10,497 पद है। वहीं बात करते हैं CISF, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स होती है, जो उसमें 100 पद है, और CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF में आपकी 8,911 पद है, और SSB सशस्त्र सीमा पर बोलते हैं जिसे, उसमें 1,284 पद है, ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस होती है जो उसकी, उसमें 1,613 पोस्ट हैं। असम राइफल में महिलाओं के लिए एक वैकेंसी नहीं है, तो इसमें 1,697, ये सारी की सारी मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। और SSF होता है, SSF में आपके लिए 103 वैकेंसी, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB, अगली बार इसमें भी अब की बार NIA में वैकेंसी नहीं आई है, तो NCB में तो 164 पद हैं। तो अभी हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, सारा आपको स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे, थोड़ी वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम जल्दी जल्दी बताते हुए चलें। BSF में 10,497, CISF में 100, CRPF में 8,911 पद, SSB में 1,284, ITBP में 1,613 पद हैं, असम राइफल में 1,697, NCB में 164, और SSF में 103 पद हैं। तो दो संख्या रहने वाली है। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, सिलेबस क्या रहने वाला है आपका। सिलेबस मैं बता दूँ, आपका जो सिलेबस है वो पहले से कम कर दिया गया है, मतलब कि
सिलेबस तो वही मतलब कि क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं, सिलेबस आपका टेंथ तक का जो भी होता है सब कुछ आएगा। तो हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन से, यानी एक क्वेश्चन दो नंबर का होगा। फिर आती है रीजनिंग, जो आपकी रीजनिंग होती है 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, मैथ 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, उसके बाद आ रहा है मैथ के बाद होता है आपकी इंग्लिश या हिंदी, आपके पास जो आप सिलेक्ट चॉइस करना चाहो वो ले सकते हो, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। अब मार्क्स देखे तो 160 नंबर का आपका पेपर होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 80, नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो हो जाते हैं आपके 80। अगर वहीं अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें, नेगेटिव मार्किंग वही है 1/4 की, पहले आपका 0.25 कटता था मार्क्स कटता था ये क्वेश्चन गलत करने पर, अब आपका जो मार्क्स है वो 0.50 मार्क्स कटेगा। इसको देख करके आपको घोटने से नहीं होना, आप कहो कि 0.50 मार्क्स पहले से ज़्यादा कटेगा, तो अभी अब इसमें देख सकते हो आप नंबर भी आपके बढ़ा दिए गए हैं, जो नंबर होते हैं वो भी आपके बढ़ा दिए गए हैं। अब हम फिजिकल स्ट्रेंथ के इसके बाद आ जाता है, जैसे आप एग्जाम CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो लोग गाँव में तैयारी करते हैं कंप्यूटर से दूर रहते हैं उनके लिए काफ़ी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि टाइम कम है, उस हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते एक दो बार में जा करके कंप्यूटर पर प्रैक्टिस कर लेनी है, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। मैं अगर कैटेगरी वाइज अगर हम बात करते हैं हाइट को, हाइट वेट और इनकी फीटों की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ उसमें पहले हम डालते हैं हाइट, हाइट की बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में, HEIGHT हाइट, हाइट जो आपके वो 170 सेंटीमीटर, ये आपकी जनरल वालों के लिए 170 सेंटीमीटर, जनरल और OBC देख लेता हूँ, मेल कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ मैं। और वहीं ST की बात करते हैं तो ST वालों के लिए हाइट हो जाती है आपकी 162.5 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम ST के बाद अगर हम ST के लिए और SC के लिए भी यही हाइट है, SC के लिए भी आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट। अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो फीमेल के बारे में, फीमेल को देता हूँ, फीमेल कैंडिडेट की हाइट के बारे में बात करते हैं, फीमेल कैंडिडेट की हाइट जो आपकी हो जाती है जनरल वाली 157 सेंटीमीटर, जनरल OBC और SC के, और ST की बात करते हैं तो ST की 150 सेंटीमीटर हाइट हो जाती है, आपकी हाइट हो जाती है। फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में मैं बता देता हूँ। अब बात करते हैं रनिंग के बारे में, चेस्ट में बता दूँ आपको मेल कैंडिडेट्स के लिए होती है कम से कम 80, ज़्यादा से ज़्यादा 85, ये OBC जनरल और SC, और ST वालों के लिए, ST वालों के लिए होती है आपकी 76 से 80, इसमें भी ST वालों को छूट दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि एज में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में छूट दी गई है। फिर बात आती है रनिंग की, रनिंग के बारे में बात करते हैं तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में, ये सबके लिए सेम है, ST के लिए भी यही है, SC ST जनरल OBC सबके लिए यही है, OBC जनरल SC ST सबके लिए सेम है, फिजिकल रनिंग का स्टैंडर्ड सेम है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 1600 किलोमीटर और 1.6 किलोमीटर आपकी 8.5 मिनट में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड रहने वाला। और आपको मैं बता दूं फॉर्म किस प्रकार से बनना, उसके ऊपर मैं आज शाम तक आपके लिए एक वीडियो बना करके डाल दूंगा, उसको देख करके आप फॉर्म अपने फोन से स्टेप बाय स्टेप भर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें, सारी जानकारी नहीं दीजिए, अगर कुछ अन्य जानकारी आपको जाननी हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7303017978, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो, जो भी आपको अन्य कुछ जानकारी चाहिए तो हम आपको दे देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और सभी के पास शेयर कर दे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर अपडेट हम आपको दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।